उद्धव ठाकरे कांग्रेस को किनारे रखकर चलना चाहते थे, इसलिए जब कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया तब भी वे बातचीत को तैयार नहीं थे। सामना में संजय राउत ने लिखा था कि जब कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा तब सीएम कांग्रेस से बात करेंगे, लेकिन जब खतरा बड़ा दिखने लगा तब उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बात करने को मजबूर हो गए। अब दोनों पार्टियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेसी नेताओं की ओर से बीते कुछ दिनों से ये आरोप लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार में उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। गुरुवार की दोपहर कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट और अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके बंगले मातोश्री पर पहुंचे। बैठक में शिवसेना की ओर से सांसद संजय राउत और अनिल देसाई भी मौजूद थे। तीनों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में किसने क्या कहा और बैठक का क्या निष्कर्ष निकला ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बैठक के दौरान दोनों पार्टी के नेताओं ने नरम रुख अपनाया। बैठक के बाद थोराट ने कहा कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर आमने सामने से ही चर्चा हो सकती है, ऐसे विषयों पर चर्चा हुई। हमारे कुछ प्रशासन से जुड़े मुद्दे थे जिन पर उनकी राय जानना जरूरी था। बीते कई दिनों से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच ये बैठक टलती आ रही थी। दरअसल पिछले चंद दिनों में कांग्रेस और शिवसेना के बीच जिस तरह की कटुता नजर आ रही है उसके मद्देनजर ये बैठक काफी अहमियत रखती है। राहुल गांधी से लेकर अशोक चव्हाण और बालासाहेब थोराट जैसे कांग्रेसी नेताओं ने हाल के वक्त में ऐसे बयान दिए जिनसे ये पता चलता है कि कांग्रेस महसूस कर रही थी कि ठाकरे सरकार में उसे तवज्जो नहीं मिल रही है। अहम फैसले लिए जाते वक्त कांग्रेस को तरजीह नहीं दी जाती थी। अशोक चव्हाण का आरोप था कि सरकार अफसरशाही के दबाव में चल रही है और सरकारी अफसर सरकार के घटक दलों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार हो रहे शाब्दिक हमलों पर आखिरकार शिवसेना ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पर हमला कर दिया। शिवसेना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक पुरानी खटिया की तरह जो चर चर की आवाज करती है। शिवसेना के मुताबिक कांग्रेस को विधानसभा में उसकी सीटों के अनुपात के मुताबिक पहले ही सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी मिल चुकी है। 6 महीने पहले ठाकरे सरकार के बनने के बाद ये पहली बार था जब शिवसेना ने इतना तीखा हमला कांग्रेस पर किया। बता दें कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार कांग्रेस के समर्थन पर टिकी है। राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 विधायकों का है। शिवसेना के पास अपने 56 विधायक हैं, एनसीपी के 54 जबकि कांग्रेस के 44 विधायक हैं। तीनों पार्टियों की इस सरकार में अगर कांग्रेस अपना समर्थन खींच लेती है तो सरकार गिर जाएगी। बहरहाल माना ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में शिवसेना और कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर चलता रहेगा।